आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अच्छा, जब बॉल रेस्ट पे होता है तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब बॉल को हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं और एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी आ जाती है? वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब हम उसको बॉल को छोड़ेंगे तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब यहाँ तक आता है तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? और काइनेटिक एनर्जी ऐसे। जब हम सर्टेन हाइट पे लेके गए, छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक डिक्रीज, और अगेन इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट ये देखें, इसमें डायग्राम में जैसे शो किया हुआ है कि जब एक सर्टेन हाइट पे लेके जाएंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है, और वापस जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। एक अगेन सर्टेन हाइट पे गई है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही होती है? कन्वर्ट हो रही होती है। दैट्स ऑल।